क्वेश्चन बोर्ड की ओर से अगर कोई भी जवाब आता है तो हम आगे आपको अपडेट देंगे, क्योंकि ये पत्रकारिता का नियम है, जिसने आरोप लगाए और जिस पर आरोप लगाए दोनों का पक्ष आपके सामने आना चाहिए। पर कुल जमा बात यह है, और यूपी का उदाहरण ये बताता है कि एक ढंग की नौकरी के लिए संघर्ष कितना बड़ा है। हमने कई राज्यों में देखा, हमने राजस्थान में रीट में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, अभी बिहार के छात्र आंदोलनरत थे। यानी हर राज्य से लगातार ऐसी खबरें आती हैं, खबरें जो बताती है कि सिर्फ पढ़ाकू बनने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर किसी साधु की तरह संयम भी होना चाहिए। पर सिर्फ संयम से भी काम बन जाए इसकी गारंटी नहीं है, आपको एक खोजी पत्रकार भी होना होगा, ताकि आप परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी कर सके, ज्ञापन दे सके कि ये गड़बड़ है, कार्रवाई करिए। पर इतने से भी शायद काम न बने, आपको एक आंदोलनकारी भी होना होगा, ताकि आप सरकार पर दबाव डालने के लिए आवाज बुलंद कर सके। इतने से अगर बात बन जाए तो परीक्षा के ऐलान के 5 से 6 साल बाद शायद आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो देश के युवाओं, नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं, बस उसके लिए थोड़े और परिश्रम की जरूरत है। शिकायत मत करिए, मेहनत करिए, इंतजार करिए, आंदोलन करिए, शायद वहीं कृपा रुकी है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व बहुमत दिया। इस भरोसे के साथ बहुमत दिया, जब हम फील्ड में घूमे महीनों, लोगों को लगा मुख्यमंत्री ईमानदार है और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा उनकी व्यक्तिगत छवि एक बड़ा विषय था। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ सख्त कार्रवाई करें, बल्कि ये जो हजारों छात्र हैं जो परीक्षा की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं उनको भी संतुष्ट करें। सरकारें इकबाल से चलती हैं और इकबाल जनता के यकीन से आता है। शोभा बारी है कूकी राय की। भर्ती परीक्षाएं हर बार किसकी गलती से लटक जाती है, ये सवाल हमने पूछा। 86% लोगों ने कहा सरकारों की वजह से, 14% ने कहा अभ्यर्थियों की वजह से, जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी वजह से। अगर आप भी कूपर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को फॉलो करें, अलग अलग विषयों पर अपनी राय भी दे सकते हैं। आज के ललन टॉप